और आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला देने वाले इस घटना में कब क्या हुआ था। 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में 6 लोगों ने किया था गैंगरेप। निर्भया के दोस्त ने इसका विरोध किया था तो उसे भी बुरी तरह से पीटा। आरोपियों ने दरिंदगी के बाद चलती बस से फेंका था। 17 दिसंबर 2012 को मुख्य आरोपी राम सिंह गिरफ्तार। 18 दिसंबर 2012 को मुकेश, पवन और विनय की गिरफ्तारी हुई। 25 दिसंबर 2012 को पीड़ित को आया होश। होश आने के बाद पीड़ित ने पुलिस के सामने दिया बयान। 27 दिसंबर 2012 को इलाज के लिए भेजा गया सिंगापुर। 29 दिसंबर 2012 की रात निर्भया की मौत हो गई। 22 दिसंबर 2013 को फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा गया मामला। 2 फरवरी 2013 को 5 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या में चार्जशीट हुई। 6 नाबालिग आरोपी का केस जेजे बोर्ड में चला। 11 मार्च 2013 को आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में की आत्महत्या। 10 दिसंबर 2013 को निचली अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया। 12 दिसंबर 2013 को चारों को फांसी की सजा सुनाई गई। 15 मार्च 2014 को आरोपी की अपील पर फांसी पर रोक लगाई गई। 28 मार्च 2014 को सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच का गठन किया गया। 4 अप्रैल 2016 को सुप्रीम कोर्ट में जिरह शुरू हुई। 27 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने चारों की फांसी की सजा को बरकरार